आज जो है हम लोगों ने एक यहाँ पे शिमला प्रेस क्लब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, इसका हमारा मेन मकसद है अभी जो है 11:30 बजे से 1:30 बजे तक जो है एक हमारी कंसल्टेशन, स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन मीटिंग थी वर्ल्ड बैंक और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी हिमाचल सरकार के साथ। तो उसमें जो है उन्होंने स्टेक होल्डर्स के साथ पब्लिक कंसल्टेशन के नाम पे एक मीटिंग रखी थी वहाँ पे, जिसमें जो है हिमाचल से खाली सिर्फ दो जो है जो सिविल सोसाइटीज़ है उनको बुलाया गया था, उसमें से एक सिविल सोसाइटी ने बायकॉट किया था और एक सिविल सोसाइटी से हम लोगों को जो है सिर्फ 3 लोगों को वहाँ रिप्रेजेंटेशन देने का मौका मिला था। तो ये जो है टोटली जो है हम लोगों ने वो पाया कि ये बिल्कुल एकदम आई वॉच था। और इसमें क्या था कि जो ये जो स्टेक होल्डर्स की जो मीटिंग होनी थी, पब्लिक जो कंसल्टेशन मीटिंग होनी थी, इसमें सारे के सारे वहाँ ऑफिशियल्स मेंबर थे, वेदर वो जो है आपके सरकार के जो डिपार्टमेंट्स के हेड थे, इंजीनियर्स थे और जो पावर प्रोजेक्ट से जो रिलेटेड जितने लोग थे वही उसमें मौजूद थे। तो हम लोगों का मेन कंसर्न इसमें यह था कि अगर आपको सचमुच जो है पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्ल्ड बैंक को अगर फंडिंग करनी है, तो सबसे पहले तो हमने यही क्वेश्चन किया कि आपको जो पब्लिक का जो कंसल्टेशन है वो ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए, ना कि जो है इस तरह के जो जो है बहुत सारे लैप्सिस हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, चाहे सोशल इश्यूज हैं, लोगों के राइट्स के इश्यूज है, RNR का इशू है, ये सारे इश्यूज को लेके जो है पहले भी जब ये बिल्कुल उस पर जो है खड़े नहीं उतर रहे हैं जो नॉर्म्स के हिसाब से, और फिर दोबारा से आप ये जो है फंडिंग कर रहे हैं हिमाचल सरकार को। पीटर हॉफ में एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में हम ये देखना चाहते थे कि इसमें वास्तव में इनका कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होती है और किस तरीके से ये काम करती है, गवर्नमेंट मशीनरी का इसमें क्या रोल रहता है। किन्नौर का सवाल है, ये किसी से छुपी भी नहीं है। जिला किन्नौर के लोगों को इन हाइडल प्रोजेक्टों, कभी कोई ऐसा कोई अधिकृत कोई आदमी, कोई सरकार का नुमाइंदा वहाँ के लोगों से बात करने के लिए आता है? एक किस्म से ऐसा है कि ना जाने किन्नौर के लोग किस दुनिया से रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं। इस तरीके से व्यवहार सरकारी सतर पर होता है बहुत ज़्यादा। पक्ष देश के अंदर बिजली पैदा करने के नाम पर पूरे हमारे अपने अस्तित्व के लिए, हमारे अपने भविष्य के लिए बहुत बड़ी चिंता का एक विषय बना हुआ है। तो इस सारे मामले में अब आप सब लोगों ने देखा कि पिछले काफ़ी समय से एक नो मीन्स नो का बहुत बड़ा मोमेंट जो है तो किन्नौर के अंदर खड़ा हुआ। जब प्रश्न किया जाता है कि ये राष्ट्र हित में, राष्ट्र के विकास के लिए बड़े बड़े बिजली परियोजनाएं बना करके पैसा कमाना है, ठीक है हम ये चीज़ें मानते हैं, लेकिन हमारा प्रश्न तंग करता है, कभी ढोकलाम में घुस करके तंग करता है, कभी लाहौल स्पीति के अंदर हेलीकॉप्टर, उससे देश की सरकार से, प्रदेश की सरकार से पूछना चाहिए, शिमला के लोगों को पूछना चाहिए, हिमाचल के लोगों को पूछना चाहिए, किन्नौर के लोग तो पूछ रहे हैं। कल को अगर कोई आदमी ये सोचे कि ढाका तो मेरे पड़ोसी के घर में लगा है, मेरा तो लगा नहीं, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता की बात होगी, क्योंकि अगर वो नहीं चेतता है तो अगला नंबर उसका है। ये स्पष्ट होना चाहिए कि अगर आज किन्नौर के अंदर कोई इस तरीके से हादसा होता है, सीमा पर कोई, ये शैतान राष्ट्र है, किसी भी टाइम इसके कोई, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये कर जो बोलता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ वो पहले करता है, जो कर रहा हूँ बोलता वो कभी नहीं करता है। चीन का एक ऐसा दोधारी चाल है। तो इस षड्यंत्र को इस हिंदुस्तान ने बहुत कुछ बहुत